नमस्कार, मेरा नाम है श्रेयस और आप देखिए वीकेबी न्यूज़। हमारे साथ है यहाँ पे विश्वहिंदू परिषद के गुरुजी। गुरुजी ने सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम, जय गौ माता। तो आपने जो यात्रा का आयोजन किया है गौ रक्षक पद यात्रा, तो इसका आपका उद्देश्य क्या है? जय गौ माता। ये गौ रक्षक महापद यात्रा ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये पैदल यात्रा है। पूरा देश भ्रमण कर रहे हैं कि ये गाय को बचाना, पृथ्वी को बचाना और पर्यावरण को बचाना, सेव कौ सेव अवर अर्थ एंड एनवायरनमेंट बोल के ये पदयात्रा 4900 किलोमीटर का पैदल यात्रा है। ये 6 महीने का है, 14 राज्य में ये पैदल यात्रा है। इसका एक ही उद्देश्य है कि जन जागृति करना, देशी गाय के प्रति जन जागृति करना, जो गोआधार जैविक कृषि के बारे में और जो गो उत्पादकों के बारे में जो गो हत्या हो रहा उसको बंद होना चाहिए। सो पूरा देश भर में श्रेष्ठ राजनीति लोगों को और पूरा देशवासियों को जन जागृति करने के लिए ये पैदल यात्रा हम जम्मू कश्मीर में जो ऐतिहासिक स्थल है भारत के श्रीनगर के लाल चौक से ये गाय माता, ये पुंगनूर गाय माता के साथ ये पैदल यात्रा शुरू करें। अभी तक जो है 2000 किलोमीटर का ऊपर पैदल चल के आज महाराष्ट्र नागपुर को हम रीच हो गए। अभी 3000 किलोमीटर तक अभी 4 महीने का पैदल यात्रा बाकी है। अभी 3000 किलोमीटर हमें चलने का है। गुरुजी, आप इसके पहले रामटेक में गए थे, तो रामटेक के पास एक देवलापार गांव है, वहाँ पर गौ अनुसंधान का केंद्र है, तो वहाँ पर आपको क्या उपदेश दिया आपने? जी, हम ये पैदल यात्रा में एक प्रत्येक दृष्टि से डेवलपर जाना बोल के बहुत दिन से है मेरे को। कई को बोल दो ये डेवलपर बोले तो ये गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र जहाँ से पूरा देश भर में विश्व हिंदू परिषद का देश भर में जो लोग है जो पंचगव्य के लिए गाय के प्रति जो काम कर रहे पूरा देश भर में उन लोगों को यहाँ पे जो ट्रेनिंग दे रहे है। गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय तो माँ 3 साल दूध देती है, ये गाय तो प्रतिदिन अपने को दूध दे रहे हैं, मगर जब इसका गाय के गोबर और गाय के मूत्र जो दूध से भी बहुत प्रीशियस है, इसीलिए ये गाय का मूत्र और गाय का गोबर के लिए बहुत देशों ने, विदेशी लोगों ने भी उनका पेटेंट लेने को अपना देश को एप्लीकेशन लिखे है। तो हम बोलने का एक ही है, पूरा देशवासियों सब यहाँ पे जो डेवलपर पे गो अनुसंधान केंद्र हैं वहाँ से जो ट्रेनिंग लेते तो उन लोग आपका आपके राज्य में जाके ये गाय के उत्पादों को मार्केटिंग करें तो बहुत स्वस्थ रह सकते। ये आज पूरा एक बहुत बड़ा मेडिकल माफिया बन गए। जैसा हमारे बुजुर्गों ने 100 साल जिए थे, उन लोग गो आधारित कृषि से और जो गोवा उत्पादक है उनसे उन लोग 100 साल तक जिए। अगर अपन तो अभी हमारा बॉडी में ह्यूमिनिटी पावर नहीं है, जैसा गाय को दूर करते हुए ये हमारा ह्यूमिनिटी पावर पूरा चले गए। जैसा यहाँ पे मेरे ख्याल से ये गो अनुसंधान केंद्र में तकरीबन 1000 के ऊपर प्रोडक्ट्स यहाँ पे बन रहा, तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करें तो आज बहुत लोगों को भी नहीं मालूम तो गाय का गोबर, अभी हम बहुत सेलफोन यूज़ कर रहे, कंप्यूटर यूज़ कर रहे, इसमें जो अभी बहुत रेडिएशन रहता, ये रेडिएशन को जहाँ अपने अनुसंधान केंद्र में जो एक छोटा टीका गाय के गोबर के टीका से एक वो स्टिकर बना रहे, ये स्टिकर आपके फ़ोन के पीछे और कंप्यूटर कने आप लगा के एक बार चेक करिए, ये साइंटिफिकली जो गाय का गोबर गाय के मूत्र से जो काम हो रहा वो साइंटिफिकली आप चेक कर सकते। जैसा ये टीका लगाने के बाद पूरा फ़ोन का रेडिएशन कंप्लीट चले जाता, जैसा कंप्यूटर में भी हम रात के टाइम फ़ोन को हमारा सिर के बाजू रख के सोते हैं बहुत रेडिएशन आता, जैसे ये रेडिएशन पूरा गाय का गोबर से जाता चले जाता। मुझे एक सवाल है, गाय को हमारे हिंदू धर्म में माता के स्वरूप में देखा गया है, तो वही कुछ हिंदू भी हैं जो गाय को काट के खाना ये बहुत शौक मतलब एक अपना ये समझते हैं, जैसे वो लोग मांस मछली खाते हैं, उन लोग चाहते हैं कि गाय को काट के हम खाएं हमें स्वाद आता है, तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? जो गौरक्षक हमारे बजरंग दल है, जैसे गौरक्षा वाले दल है, तो वो कितने गौरक्षा करते हैं फिर भी लोग गौ को गाय माता को काट काट के खाने का दम रखते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे?
बहुत दुखी की बात है, अपने लोग जो गाय को माँ मानने का वो लोग में, वो जात में भी गाय को खा रहे, तो बहुत तकलीफ की बात है। और जो गोरक्षक बच्चे पूरा अपने जान तक लगा के रात तमाम मेहनत करके ये गायकों को पकड़ने में उन लोग जुड़े हुए हैं। एक बार सोचिए, ये गाय को दूसरे जानवर को पूरा अलग तरीके से देखना। ये गाय का पंचगव्या गोबर, गोमूत्र, गाय के दूध, गाय के दही, गाय के घी से हम सब समृद्धि और सुख खुशहाली से रह सकते हैं। आज जो इससे पहले किसान ने बैल की शक्ति और गाय के गोबर, गाय के मूत्र से फसलें उगाते थे, वो फसलों से हम सब खा के बहुत समृद्धि से रह सकते थे। अभी ये पूरा देश भर में क्या होगा, ये जमीन पूरा रासायनिक से भरे हुए है। बिना गाय के रक्षा करे तो, गाय के बिना हम नरोगी बनना बोले तो, गाय का बिना ये नहीं हो सकता। इसीलिए एक गाय को बचाए तो ही ये पृथ्वी को बचा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गाय किसी जात का नहीं होता, किसी मजहब का नहीं होता, किसी पार्टी का नहीं होता, ये गाय हम सबका है, ये विश्व के माँ है। इसलिए जो गाय को रोक रहे, जो गाय के लिए तड़प रहे, गोरक्षक होंदे हो, बजरंग दल होंदे हो, उन्हों देश की सेवा कर रहे। इन लोगों को जैसे हम स्वतंत्र के लिए जो देशभक्तों ने जो लड़ाई लड़ाया, वही लड़ाई के समान आज उन लोग गाय को बचा रहे। गाय को बोलते, गाय बचे तो ही आगे के पीढ़ी को खाना दे सकती। अपना देश वो देश है जो विश्व में खाना खिलाने वाला देश अपना देश है। यहाँ से अनाज पूरा विश्व में जाता, ये अनाज 15-20 साल के बाद नहीं आए तो हम कैसे जी सकते, अपने बच्चे कैसे जी सकते। इसीलिए ये पृथ्वी की रक्षा सिर्फ गाय के गोबर और गाय के मूत्र से ही होता है। इसीलिए गाय का बचाना हम सबका कर्तव्य है। ये गाय एक जानवर नहीं होता, ये हमारा जान है। ये गाय एक प्राणी नहीं होता, ये हमारा प्राण है। ऐसे जान को, ऐसे प्राणी को, हमारा प्राण को बचाने के लिए हम सब मिलके कर्तव्य है। जो भी जात हों दो, जो भी मत हों दो, जो भी कोई भी पार्टी वाला हों दो, सभी मिलके ये गाय को बचाना, नहीं तो आपके बच्चे नहीं बच सकते। ये हम सब मिलके करने का है। गुरु जी, वीके बिन उसके माध्यम से आप क्या कहना चाहोगे जनता को, आप कैसा आह्वान देना चाहोगे इस बारे में? जी, हम लोग आपके चैनल के माध्यम से लोगों को जन जागृति करना है कि एक बार सोचिए, आपका हमारा पीढ़ी तो हो जा रहे, आगे के बच्चों का सुरक्षा कैसे होना। हम सब मिलके बच्चों का सुरक्षा करना बोले तो, उनके लिए जो स्वस्थ रहना बोले तो, उनके लिए जैविक कृषि से जो फसल आए तो, अभी पृथ्वी के अंदर 10 फीट तक कहीं जीवन वो नहीं है। ये माइक्रोब्स आना बोले तो सिर्फ गाय के गोबर, गाय के मूत्र, वो कृषि करे तो पूरा देश भर में श्रेष्ठ राजनीति लोगों को और सभी से हमारा अनुरोध है कि देशी गाय के वंश, देशी गाय के नस्लें अभी पूरा कम हो जा रहे हैं, इसको बचाना। ये बचे तो ही हम सब बच सकते, ये पृथ्वी बचे तो ही हम सब बच सकते। इसीलिए हम सब प्रयास करना, ये गाय को बचाना, ये माँ है तो हम सब यहाँ पे बेहतर स्वस्थ और खुशहाली से, समृद्धि से, कल्याण से जी सकते हैं। तो इसीलिए ये देशी गाय आज बहुत दुखी की बात है। जर्सी गाय को, देशी गाय को व्यत्यास भी लोगों को नहीं मालूम। ये देशी गाय जो है ऊपर पीठ पे जो मुंहपुर रहता, नीचे लटकता हुआ गले का कंबल रहता, ये अपना देशी गाय है। ये नस्ले का गोबर हों दो, मूत्र हों दो या दूध हों दो, अभी इसमें इसके गोबर और इसके मूत्र में तकरीबन 1100 के ऊपर कंपोनेंट्स हैं। ऐसा इसमें इतना समृद्धि है, ऐसा चीज़ को आज हम लोग भूल जा रहे हैं। विदेशी लोगों ने यहाँ से अपने देश भर के देश से देशी गाय के नस्लें 40 देशों में अपने देशी गाय का नस्लें है, वहाँ से उन्हें समृद्धि से, जैसा इजराइल हों दो, ब्राज़ील हों दो, अलग अलग देशों में भी अपना गाय के देशी गाय का नस्लें है। इसलिए हम पूरा विश्व के पिता मान जाता है। यहाँ से हम गोवंश भी उधर वो देशों में भी अपना गाय के नस्ल है। तो आपको मालूम है, रिसेंटली जापान में जो है ये गाय के गोबर से एक मीथेन लिक्विड तैयार करके उससे रॉकेट का लॉन्च करे विदेशों ने।
और हाँ, नारी शक्ति को बचाना बोले तो, ये कैंसर से बचाना बोले तो सिर्फ गाय के मूत्र, गो अर्क, ये गो अर्क पिए तो उन लोगों का कैंसर चले जाता, उन लोगों का बेहतर स्वस्थ हो जाता, सभी नारोगी बन के जी सकते। ये पंचगव्य का उपयोग हम 100% करना चाहिए, जब हम लोग सब ये बेहतर सुख खुशियाली से जी सकते हैं। जी बिल्कुल गुरु जी, हम चाहेंगे कि आपकी जो यात्रा है बहुत ही सक्षम रहे और आप जनता को बहुत ही अच्छा उपदेश दे रहे हैं गाय आपके माध्यम से, विश्वनी परिषद के माध्यम से। तो धन्यवाद, बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है बोले तो, आज विश्व हिंदू परिषद ये एक बहुत महान कार्य कर रहे हैं, जहाँ डेवलपर में गो अनुसंध केंद्र में एक बार देश भर के लोगों को मैं एक चेतनावली दे रहा हूँ, आप एक बार यहाँ पे विजिट करिए, आप एक 5 दिन का कोर्स यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में ले रहा, नॉमिनल एक उन्हों रहने का और खाने का सभी व्यवस्था कर रहे, ओनली 500 रुपये का नॉमिनल चार्ज ले रहे 5 दिन रहने का। यहाँ पे जो पंचगव्य से जो गाय का गोबर, गाय के मूत्र से जो प्रोडक्ट्स बनता वो सिखा रहे, तो आपके गौशाला आज पूरा बहुत दुखी की बात क्या है बोले तो, गौशाला वाला हाथ बटा रहे, नहीं किसी को गौशाला हाथ नहीं बटाना, ये गाय को एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी कर लेना, आपके जो गौशाला में ऐसे गाय के उपलों से और गाय के गोबर, गाय के मूत्र से ये प्रोडक्ट्स जैसे दिया बन रहा, जैसे अगरबत्ती बन रहा, जैसे साबुन और दंत मंजन, बहुत सारे चीज़ इसमें से बहुत सारे चीज़ बन रहा, ये चीज़ का आप गौशाला में आप मार्केटिंग करके जहाँ जहाँ आपका लोग है वो पूरा ये इसका ये इसका प्रोडक्ट को उपयोग करे तो ये गौशाला सस्टेन होता। इसलिए मैं सभी गौशाला वाला को ये आप गो अनुसंधान केंद्र को आइए, डेवलपर में आप देखिए, जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको जो मुफ्त में जिस ये सिखाया जा रहा है आप सीखिए, और पंचगव्य के भी डॉक्टर्स बनाने के भी यहाँ के संस्था के लोग से मैं बातचीत करा, वो संस्था के लोग के और आगे बढ़ के यहाँ पे तकरीबन पूरा देश भर में कितने नस्लें हैं, उतने नस्लों का गाय को यहाँ पे रखने का उन लोग और उसका ब्रीडिंग करने का भी उन लोग प्रयास कर रहे हैं, जैसा यहाँ से